कम करो, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम लूटना बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, महंगाई को कम करो, डीजल का दाम कम करो, पेट्रोल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने उप जिलाधिकारी डुमरियागंज को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेता सच्चिदानंद पांडे की अगुवाई में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर की सरकार विरोधी नारेबाजी। कांग्रेसी नेता सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय सचिव के निर्देश पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। मोदी होश में आओ, होश में आओ, करो कम करो। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुर्दाबाद। बेहतर पीछे है। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय काजी सुहेल साहब के निर्देश पर हमारे ज़िले के एक एक पेट्रोल पंप पर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे पदाधिकारी हर कोई हर जगह हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जनता से इन्होंने वादा किया था कि हम हर चीज़ को सस्ता करेंगे और पेट्रोल और डीजल को जो महंगाई है वो चरम सीमा पे जा रही है। जिस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार थी कितने प्रति बैरल हमारे यहाँ आता था हिंदुस्तान में, और आज की डेट में वही $40 प्रति बैरल आ रहा है। और आज की डेट में जब हमको पेट्रोल और डीजल ₹10, ₹15, ₹25 में मिलना चाहिए, तो आज हमको ₹100 में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। इस वजह से हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी के निर्देश अनुसार ये जो सांकेतिक धरना पेट्रोल पंपों पर हम लोग कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का दाम जो प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है उसको कम किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी को हमें ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि डीजल पेट्रोल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, दाम बढ़ा करके जनता को भारत सरकार लूट रही है, उस लूट को बंद किया जाए और डीजल पेट्रोल का दाम कम किया जाए। फिर भी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो कांग्रेस द्वारा क्या रणनीति बनाई? देखिए, कांग्रेस हमेशा से आंदोलन पर विश्वास करती है। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी ने लाठी खाई है, अपने बड़े नेताओं को कुर्बानी दी है। हमने अपनी शहादत में इंदिरा गांधी को खोया है, हमने अपनी कुर्बानी में राजीव गांधी को खोया है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ये आताताई जुल्मी डाकू सरकार नहीं मानती है तो हम फिना सड़कों पर उतर करके इस मांग को मनवा करके डीजल पेट्रोल का दाम कम करा करके ही कांग्रेस पार्टी के लोग मानेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।